बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं बैद वासी और आपने देख लिया मेरे अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। सवाल तो बनता है, इलेक्शन 2024 जो है वो तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचा है, उसके रिजल्ट्स अभी तक भी जो है वो बिल्कुल 100% जो है वो फाइनल नहीं हो सके। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जिन सीट्स पे इशू चल रहा है उसके अलावा तकरीबन उनके 93 सीट्स बनती हैं और अगर वो क्लियर होता है तो 96 तक अगर आप चले जाएँ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तकरीबन 74 सीट्स बनती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीबन जो है वो 55 सीट्स बनती हैं। ये इलेक्शंस के रिजल्ट हैं जी, और तकरीबन 50 अरब और 25 से 30 जाने जाया करने के बाद इलेक्शन 2024 बगैर किसी जो है वो हतमी नतीजे के जो है तकरीबन अपने इख्तिताम तक पहुंचे। मेरे कुछ दोस्तों का ये कहना था कि आप खुद वोट पोल करने नहीं आए, 2018 में आप नवाज शरीफ साहब को कुछ सपोर्ट करते थे, वो ऐसे वीडियोज आप बनाते थे और अब जो है वो आपने इमरान खान को सपोर्ट किया, तो मैं उनको जरा ये जवाब देना चाहूंगा आज कि 2018 में जो है वो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की जा रही थी तो लोगों को बड़ा लगता था जी कि इमरान खान साहब आ गए, और जब अनीफ अब्बासी को एक हफ्ता पहले अरेस्ट किया गया था उसके बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो राणा सनाउल्लाह के ऊपर जो है वो एक केस डाला गया था, शायद आप सबको उसके बारे में इल्म हो, और जिसमें कहा गया था पता नहीं कितने साल उनको जो है वो कैद की सजा सुना दी गई, लेकिन उसके बाद जो है वो सारे केसेस अचानक से खत्म हो जाते हैं। राणा सनाउल्लाह जो इस दफा इलेक्शन भी लड़े हार गए लेकिन वो इस दफा इलेक्शन लड़े थे, जो सब कुछ 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था वही सब कुछ आज 2024 में जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सबके वोट्स का या आप सबके वोट्स का फायदा हुआ है, क्या नवाज शरीफ और इमरान खान के अपने हाथ में कुछ है कि वो कर सकें? अगर नवाज शरीफ के हाथ में कुछ होता, मैं वेट कर रहा था कि हमारा वजी अजम जो है वो आए, मैंने पिछले एक वीक से वीडियो नहीं बनाई थी कि हमारा वजी अजम आए तो मैं वीडियो बना सकूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि अगर नवाज शरीफ के हाथ में कुछ होता तो आज नवाज शरीफ खुद वजी अजम ना होते, और अगर इमरान खान साहब की कोई अपनी पोजिशन होती तो वो कभी भी मेरे ख्याल से अडियाला जेल में ना होते। सो मेरे ख्याल से अगर हमारे वोट्स की कोई इज्जत होती तो इस दफा तो पूरी दुनिया, अगर अल जजीरा आप उठा के देखें, वर्ल्ड टाइम आप उठा के देखें, डॉन उठा के देखें, तो सारी दुनिया यही कह रही है कि जो हमारा वजी अजम है वो इमरान खान को होना चाहिए, लेकिन वो हमारे वजी अजम नहीं है। क्यों? कि हमारे वोट की शायद वो पावर नहीं है, यहाँ पे फैसले कुछ बंद कमरों में बैठ के किए जाते हैं, जो वो पॉलिसी आज की नहीं, खैर अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो ये चीजें जो है वो क्लियर होती जाती है। उसके बाद कुछ हल्कों में जो है वो ज्यादा जो है वो पॉइंट आउट देखा गया कि जो ज्यादा हालात खराब नजर आए, जिसमें लाहौर के कुछ हल्के शामिल है, मैं भी इलेक्शन से पहले जाता रहा, इन्वॉल्वमेंट देखता रहा, एक हल्का जो है वो NA 128 है जो था ओन चौधरी साहब का हल्का, और एक हल्का 130 है जिसमें से नवाज शरीफ साहब लड़ रहे थे इलेक्शन, और सियालकोट का एक हल्का है जहाँ वहाँ पे भी कुछ रात को इलेक्शन कुछ का रिजल्ट कुछ और था और दिन को इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो कुछ और था। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ, इस दफा जो सुलमान अकरम राजा साहब के अगेंस्ट ओन चौधरी जो सीट जीत रहे हैं NA 128 लाहौर से, तकरीबन 2018 और 2013 में भी ये सीट मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं जीती थी, और हालात बहुत टाइट थे और जो वोटिंग हुई थी वो बड़ी क्लोज हुई थी, लेकिन इस दफा अचानक इतने मार्जिन से ओन चौधरी कैसे जीत गई, हालांकि लाहौर में उनकी इतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं थी ना कोई जानता था, ये जरूर कहा जाता है जब वो जीत गए कि उनको नवाज शरीफ की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ NA 130 की, जिसमें से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे थे डॉक्टर यास्मीन राशिद के अगेंस्ट, उस हल्के में भी कुछ अगर मैं आपको बताता चलूं तो रात तक की रिपोर्ट के मुताबिक यास्मीन राशिद की पोजीशन काफी अच्छी थी। उसी रात की सुबह जब 9 फेब होती है तो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर, मैंने इससे पहले ही वीडियो में उनके जो डॉक्यूमेंट था वो शेयर किया था, जो उनके मेडिकल का डॉक्यूमेंट है कि वो बीमार है और उनकी जगह पे जो है वो नया रिटर्निंग ऑफिसर लाया जाता है, जिसके बाद मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब को जिता दिया जाता है। उसके बाद एक दूसरा हल्का जो सियालकोट का हल्का था, वहां भी कुछ ऐसा था जहां पे रियाना डार साहिबा खड़ी थी ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में, वहां भी पहले कुछ ऐसे रिजल्ट हमें देखने को मिले, रात को रियाना डार साहिबा जीत रही थी और सुबह में ऐसा आई डोंट नो क्या होता है कि जो है वो रियाना डार साहब जो है वो हार जाती है। तो द पॉइंट इज दैट कि क्या हमारे वोट की कोई इज्जत है? मैं अगर टोटल आपको वोट्स की बात करूं, जो हमारे रजिस्टर्ड वोट की तादाद थी 2018 में जो वो थे वो तकरीबन 10 करोड़ थे,
लेकिन अगर मैं बात करूं इस दफा 2024 में तो वो तकरीबन 12 करोड़ से बढ़ के ज्यादा होगी, तकरीबन 12 करोड़ 7 लाख एक अंदाजे के मुताबिक एस्टिमेटेड जो वोटर्स की तादाद है। लेकिन जो वोट पोल की रेशियो है, कितने लोग वोट पोल करते हैं, वो मुसलसल कम होती जा रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2018 में तो वो तकरीबन 52% थी और 2024 में वो 47.7 पे आ गई है। तो जो लोगों का रुझान है मेरे ख्याल से दिन ब दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि उनको पता लगता जा रहा है कि जो मेरे ख्याल से जो लोग सिलेक्ट होके आते हैं वो हमारी मर्जी से नहीं होते, बल्कि वो पहले ही जो है वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। अगर हमारी मर्जी से वो लोग सिलेक्ट होके आते तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी वज़ीर आज़म 2024 में ना बनता। तो ये चीज़ें अब तक की सूरत हाल और ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उसके अलावा अगर मैं आपके साथ रिजल्ट्स की बात करूं तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और 8 फरवरी की रात 10 बजे या मैक्सिमम दूसरे दिन मॉर्निंग में रात 2 बजे या दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक आपको तमाम जो है वो रिजल्ट देने होते हैं। लेकिन इस दफा मुझे देखने को मिला कि 9 फरवरी तक सिर्फ 3-5% रिजल्ट जो अभी तक मौसूल हुए थे और वो भी बिल्कुल गैर रस्मी और गैर सरकारी थे, और उसके बाद जो है वो डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई है। सो देखते हैं अब नया वज़ीरे आज़म कौन बनता है। नवाज शरीफ साहब को भी मेरे ख्याल से उन्होंने कह दिया कि वो ज्यादा नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब के चांस हैं, देखते हैं क्या बनता है और पाकिस्तान का वज़ीरे आज़म कौन आता है। अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात पे बेहतरी करे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस मुल्क में जो चीज़ें हैं वो वोट से नहीं सिलेक्ट होती, बल्कि यहाँ पहले सिलेक्शन हो जाती है। जैसे 2013 में नून लीग की थी, 2007 में अगर पीपल्स पार्टी थी, 2018 की बात करें तो खान साहब सिलेक्ट थे, 2024 में दोबारा नून लीग है। सो इसी तरह एक बयानिया बना दिया जाता है और आवाम को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मुझे मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज सवाल तो बनता है।